MPSC, we are from live Unacademy. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, कल हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा था और आज हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं एनिमल्स का. जंतुओं का वर्गीकरण आज हम देख रहे हैं और किस तरह से देखेंगे. जंतुओं का वर्गीकरण, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जंतुओं के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं. लेकिन जंतुओं के वर्गीकरण को समझाने से पहले एक जरूरी बात जो मैं आपको समझा दूं वो क्या है कि पूरे बायोलॉजी में, पूरे बायोलॉजी को जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, तो हम कुछ टैक्सोन्स बनाते हैं, कुछ कैटेगरीज बनाते हैं, कुछ वर्ग बनाते हैं और लक्षणों के आधार पर उस वर्ग में हम क्या करते हैं, जंतुओं को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, मेरा मोबाइल वहां से दे दीजिए, मैं पंखा बंद कर. वर्गों में विभाजित करते हैं हम जंतुओं को और वो वर्ग कौन कौन से होते हैं. जैसे कि सबसे पहले तो डोमेन होता है, ये बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, इसमें दुनिया के सभी जंतु आ जाते हैं. फिर बारी आती है किसकी, किंगडम की. किंगडम का मतलब क्या होता है, मैं एक मिनट के लिए वो देख लूं जरा. हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, अभी ठीक है. गुड इवनिंग मंजू. तो हम बात कर रहे थे जंतुओं के वर्गीकरण की. आप जितने भी लोग शामिल होते जाएं तो मुझे इशारा करते चलें और आप अपने क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं मुझसे लाइव सिचुएशन में. ओके, तो हम अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं सभी प्रकार के जंतुओं को और इनके कुछ हिस्से हैं जिनको हम बोलते हैं डोमेन. डोमेन के बाद एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं किंगडम. यह है किंगडम यानी जगत. तो हम लोग किस में आते हैं, जंतु जगत में आते हैं हम सब लोग और आज हम जंतु जगत ही पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो जंतु जगत में सबसे पहले कौन आता है, किंगडम. तो किंगडम एनिमेलिया, हम लोग उसके मेंबर हैं. एक किंगडम में कई सारी फाइलम आ सकती हैं, ठीक है ना. जैसे कि किंगडम फाइलम में, किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम आती है जिसका नाम, जिसको हम संघ भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको संघ. और सिमिलर जो जीव हैं उनके समूह को हम बोलते हैं संघ. तो गुड इवनिंग दीवान जी, संघ बोलते हैं. और एक संघ में कई सारे वर्ग आ सकते हैं, क्लास आ सकते हैं, ठीक है ना. कई सारे वर्ग आ सकते हैं या क्लास आ सकते हैं. जैसे कि मैमिलिया, स्तनधारियों का समूह आता है, स्तनधारी. ओके, अब स्तनधारियों में भी मोर सिमिलर एनिमल्स जो जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरा. कार्निवोरा मतलब मांसाहारी, मांसाहारी जंतुओं का समूह है कार्निवोरा. देन आती है फैमिली यानी परिवार. तो जैसे कि फैलिडी, ये एक फैमिली है, फैलिडी परिवार.
और फेलिडी परिवार में और एक दूसरे से क्लोज जो जंतु हैं उनका समूह आता है, जैसे कि पैंथेरा, ये वंश का नाम है, जीनस मतलब होता है वंश, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है ना, क्लास का मतलब वर्ग, ऑर्डर का मतलब गण, ये हिंदी की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ज्यादा समान जीव जंतुओं को जो एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, ज्यादा सिमिलर जंतुओं को हम एक दूसरे के हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि ज्यादा समान जंतु एक दूसरे के करीब रहें और एक ही संघ के अंदर का हिस्सा बने, एक दूसरे के करीब रहें और एक ही संघ का हिस्सा बने। तो इस तरह से हम ज्यादा सिमिलर जंतुओं की एक पूरी आखिर तक नीचे तक जाते हैं, प्रजाति तक जाते हैं और एक समूह निर्मित कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वर्गीकरण की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, टू मेक स्टडी इजियर। स्टडी को आसान बनाने के लिए आप एक साथ पूरी दुनिया के जीवों का अध्ययन तो कर नहीं सकते, और जब जीवों का अध्ययन नहीं कर सकते आप, तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको, जब जीवों का अध्ययन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, समूहों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अगर आपने फाइलम पढ़ ली कॉर्डेटा, इस कॉर्डेटा की आपने अगर जानकारी जुटा ली, तो आपको कॉर्डेटा समूह के सभी सदस्यों की जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है ना। और कॉर्डेटा समूह के सभी सदस्यों की जानकारी अगर आपको मिल गई, तो आपको अलग से फिर हर कॉर्डेट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है, आपको बार बार कॉर्डेट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और यही इस बात का सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपने एक क्लास पढ़ लिया मैमेलिया, इसका अध्ययन कर लिया, तो उससे संबंधित जंतुओं को, मोबाइल यहीं रखो, उससे संबंधित सभी जंतुओं को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ओके। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद हम आगे की स्लाइड्स देखते हैं, मैं आपको सीधे ले चलता हूं जंतु जगत के पास में, ठीक है ना, जो आज का टॉपिक है हमारा। जंतु जगत में गुड इवनिंग हेमंत जी, हम जंतु जगत की बात कर रहे थे, कुछ लोगों को लिंक नहीं पहुंच पाई है, तो हेमंत जी ग्रुप में मैंने लिंक भेज दी है लाइव की, आप एक बार जो ग्रुप है हमारा अनअकैडमी का, उसमें एक बार रोटेट कर देना इसको, लिंक अभी जस्ट मैंने भेजी है यूट्यूब की, तो जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे उनको लिंक शेयर कर दीजिए जरा। तो किंगडम एनिमेलिया यानी जंतु जगत, ये शुरू कर रहा हूं मैं, जंतु जगत में कितने संघ हैं, कितनी फाइलम है, वो हम देख लेते हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी दूंगा, ठीक है ना, गुड इवनिंग अमन, ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उससे आपको कैसे याद करना है इसको, आपको याद करना है जो सीरियल आपको मैं बताऊं, आप उसी में याद करना जिसमें एनसीईआरटी में सीरियल बना हुआ है। सतीश गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जंतु जगत की, ठीक है ना, रवि वेलकम गुड इवनिंग। तो जंतु जगत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अच्छे से, और जंतु जगत में कई सारी फाइलम्स यानी संघ को हमको पढ़ना होगा, ठीक है ना, कई सारे संघ या फाइलम को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पॉरीफेरा, जैसे कि सीलेंट्रेटा, ठीक है ना, पहली संघ का नाम है पॉरीफेरा, दूसरे का है निडेरिया या सीलेंट्रेटा, ठीक है ना, पूर्वी गुड इवनिंग, निडेरिया या सीलेंट्रेटा, ठीक है, टीनोफोरा, हालांकि टीनोफोरा सबसे छोटी फाइलम में से एक है, इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, प्लेटी हेलमेंथीस, ठीक है ना, चपटे क्रमियों का ये समूह है, प्लेटी हेलमेंथ बोलते हैं इनको, ठीक है, एस्के हेलमेंथीस यानी राउंड वर्म, इनको हम नीमेटोडा भी बोलते हैं, नीमेटोडा या एस्के हेलमेंथीस या गोल क्रमी इसमें आती हैं। फिर हम पढ़ेंगे एनिलिडा, ठीक है ना, एनिलिडा को भी हम पढ़ेंगे, ओके, देन हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा,
यानी संधि युक्त पैर वाले इंसेक्ट समूह को, इसमें इंसेक्ट्स आएंगे सबके साथ, आर्थ्रोपोडा। देन हम पढ़ेंगे मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा, इनकी खुरदरी स्किन होती है, ठीक है ना, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोलते हैं इनको हम, स्पाइनी स्किन्ड, ठीक है। फिर है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना, और यानी कि ये हम पढ़ने जाएंगे इसमें प्रोटोकॉर्डेटा से, प्रोटोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। तो थोड़ा सा जिन लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा होता बायोलॉजी, नॉन बायोलॉजी फील्ड के, उनको थोड़ा सा अलग सा लगेगा ये, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सुनते रहेंगे, क्योंकि इनके बेसिक कैरेक्टर पूछते हैं, इनके नाम का मतलब जो होता है उसी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को आप कैसे याद करेंगे, पप्पू चंद पटवारी नाम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। अंकुश गुड इवनिंग, क्या ट्रिक है, पप्पू चंद पटवारी पीसीपी नाम NAAM नाम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस ट्रिक से आप चीजों को याद कर सकें। पी फॉर पॉरीफेरा, सी से सीलेंटेटा, पी से प्लेटीएलमेंथीज, एन से नेमेटोडा, ए से आर्थ्रोपोडा, ए से एनिलिडा, एम से मोलस्का, ई से काइनोडर्मेटा, पी से प्रोटोकॉर्डेटा, वी से वर्टिब्रेटा, ठीक है। लिमिटेड को ऐसे जोड़ा है हमने पूरा उसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब आ गए, ये स्पंज का समूह आ गया पूरा का पूरा जनाब। आप जानते हैं स्पंज, स्पंज सुना है आपने, किस समूह के सदस्यों को स्पंज कहते हैं, ये हमसे बोला जाता है। तो पॉरीफेरा यानी पोर्स बियरिंग एनिमल्स, ठीक है, जिनके शरीर पर क्या होते हैं, पूरा शरीर छिद्रित होता है, छिद्र से मिलके बना है, पोर्स से मिलके बना है, पोरस बॉडी वाले जितने भी जीव हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा बोलते हैं या स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है, पॉरीफेरा या स्पॉन्ज इसको हम बोलते हैं। इनके शरीर पर छोटे 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 छिद्र होते हैं जिनको हम ऑस्टियम बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर इनका शरीर बना होता है, इस तरह की बॉडी होती है, ऑस्टिया इनकी बॉडी पर होते हैं छोटे छोटे, और ऑस्कुलम इस बड़े छेद को कहते हैं। तो पानी यहां से ऑस्टिया से अंदर एंटर करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ओके, तो इस तरह की इनकी पूरी बॉडी होती है। तो ये स्पॉन्ज होते हैं, स्ट्रिक्टली ये मैराइन होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना, और इनके अंदर वाटर सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। स्पॉन्जिला, साइकोन, यूप्लेक्टेला, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो पॉरीफेरा में आपको जो मूल बात याद रखनी है वो कौन सी बात याद रखनी है पॉरीफेरा में, ठीक है, कि पॉरीफेरा जो होते हैं उनको हम सामान्यतः स्पॉन्जेस कहते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं ये। ये जंतु जगत के मेंबर हैं, ये जंतु जगत की पहली फाइलम है, किंगडम एनिमिलिया की फर्स्ट फाइलम है ये, ठीक है ना, जिसको हम पॉरीफेरा बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जिया, साइकोन, यूप्लेक्टेला। ओके, तो ये स्पंज है, ठीक है। दूसरे ग्रुप पे आते हैं हम लोग पॉरीफेरा के बाद। पॉरीफेरा के बाद ग्रुप आता है जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। अब ये सीलेंट्रेटा ग्रुप क्या है, सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया इस ग्रुप का नाम पड़ता है, इस ग्रुप को सीलेंट्रेटा भी कहते हैं और नाइडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया क्यों बोलते हैं इनको ऐसा, क्योंकि इनकी बॉडी पर होते हैं टेंटाकल्स, टेंटाकल्स नाम के लंबे लंबे ऐसे, ये देख रहे हैं ना आपको, ये आपको जेलीफिश दिख रही है, ये सी एनिमोन दिख रहा है, इसके भी टेंटाकल निकले हुए हैं। कोरल्स जो होते हैं वो होते हैं, हाइड्रा आपने कभी देखा हो, टेंटाकल्स के ऊपर इनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। टेंटाकल्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बना देता हूं, मान लीजिए ये हाइड्रा है कोई, और ये इसके टेंटाकल्स हैं इस तरह के, तो इन पे इस तरह से देखिए नुकीली सेल्स होती हैं, ये कांटेनोमा सेल्स होती हैं, स्पाइनी सेल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं इन पर। इनका नाम पढ़ने का कारण बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान से सुनिएगा। जो नाइडेरिया होता है, नीडोब्लास्ट वाला जो होता है, उन पर एक जहर होता है इनके अंदर, जिसको हम हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। नीडोब्लास्ट कोशिकाओं के अंदर एक खतरनाक जहर होता है जिसको हम हिप्नो
टॉक्सिन बोलते हैं। हिपोनोटॉक्सिन जहर क्या करता है, ये जितने भी नाइडेरिया के एनिमल्स हैं, सीलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रे को जब कैच करते हैं, अपने शिकार को जब पकड़ते हैं, तो शिकार को पकड़ते ही उसमें ये इंजेक्ट कर देते हैं इस जहर को, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और शिकार की मृत्यु होने पर ये उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा समूह का नाम सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया क्यों पड़ा, क्योंकि उनपे नीडल लाइक सेल्स थी जिनको बोलते हैं हम नीडोब्लास्ट, जिनमें जहर होता है हिप्नोटॉक्सिन नाम का जहर। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जबकि इनका सीलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा, सीलेंट्रेटा नाम के पीछे क्या कारण, नाइडेरिया नाम के पीछे तो एक कारण समझ में आ गया हमको कि नाइडेरिया नाम के पीछे जो कारण है वो है नीडल लाइक कोशिकाएं जिनको नीडोब्लास्ट कहते हैं, जिनमें जहर भरा होता है। ओके, लेकिन सीलेंट्रेटा नाम रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है, सीलेंट्रेटा नाम रखने के पीछे कारण ये होता है कि इनके अंदर एक बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसका नाम होता है सीलेंट्रोन। इनके शरीर के अंदर ऐसे एक गुहा पाई जाती है, सीलेंट्रोन नाम की गुहा, ये सीलेंट्रोन नाम की गुहा पाई जाती है, इसलिए इनको हम सीलेंट्रोटा कहते हैं। ये भी प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक हैं, यानी जलीय जीव ये होते हैं। ठीक है जनाब, यहां तक सभी को समझ में आ गया, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। दूसरा आता है समूह, वो कौन सा है, प्लेटी हेलमेंथीज या फ्लैट वर्म्स का। ठीक है ना, प्लेटी हेलमेंथीज या फ्लैट वर्म्स को हम बोलते हैं चपटे कृमी। क्या बोलते हैं, चपटे कृमी बोलते हैं हमको प्लेटी हेलमेंथीज को, फ्लैट वर्म्स। ठीक है ना, फ्लैट वर्म्स या चपटे कृमी बोलते हैं। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, इसका मतलब ये दोनों तरफ से कैसे होते हैं, फ्लैट एंड होते हैं, चपटे होते हैं। ठीक है ना, दे हैव फ्लैट बॉडी विच इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है इस इनकी शरीरों को बराबर दो हिस्सों में काटा जा सकता है। जब भी शरीर को दो बराबर हिस्सों में काटा जा सके तो इसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ओके, और दे हैव थ्री लेयर्स। एक्चुअली क्या होता है, जब भी शरीर बनता है किसी का तो तीन लेयर से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, एक तो होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोमीजो एंडो, ये तीनों लेयर्स इनके पास होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, त्रिस्तरीय बोलते हैं। त्रिस्तरीय मतलब तीनों भ्रूणीय कोशिकाएं, इनके तीनों भ्रूणीय स्तर इनके पास पाए जाएंगे, ये त्रिस्तरीय होते हैं। हाँ मंजू, ये फ्लैट वर्म का ग्रुप है जिसको हम चपटे कृमी कहते हैं। ये चपटे कृमी जो होते हैं ये फ्री लिविंग भी होते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, किसी जीव के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है ना, खून पी सकते हैं, तो पैरासाइट की फॉर्म में भी होती है, जैसे टैप वर्म पैरासाइट होता है, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, जो गाय में, सुअर में, इन सब के अंदर इन्फेक्ट कर देते हैं उसको, लिवर फ्लूक। ठीक है ना, प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग होती है। तो ये चपटे कृमी होते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो देह गुहा है, क्योंकि 30 मिनट में मैं आपको जितना बता सकता हूं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनके अंदर की जो देह गुहा है वो वास्तविक होती है, वास्तविक देह गुहा, कभी मौका मिलेगा बड़ी क्लास में तो आपको मैं जरूर समझाऊंगा। ठीक है, और इनकी बॉडी थोड़ी सी सेगमेंटेड होती है। ये सबके सब कृमी कौन से वाले कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फ्लैट वर्म्स या चपटे कृमी। अब है निमेटोडा। निमेटोडा को हम एसके एलमेंथीज भी बोलते हैं या गोल कृमी भी बोलते हैं। ओके, गोल कृमी या एसके हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज या गोल कृमी। ठीक है, एसके हेलमेंथीज या गोल कृमी जो होते हैं वो आप जानते हैं, ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करते हैं। ऑक्टोपस आता है मोलस्क का समूह में, अमन जो मोलस्क का समूह आएगा ना उसका मेंबर है ऑक्टोपस, अभी इनका मेंबर नहीं है। ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होती है मोलस्क का, उसका। ठीक है, तो गोल कृमी है निमेटोडा, आपने सुना होगा एस्केरिस, एस्के हेलमेंथीज भी कहते हैं। एक वर्म है ये सामने दिख रही है आपको, इसको जाइंट वर्म भी कहते हैं हम लोग। जाइंट वर्म बोलते हैं। ठीक है, जाइंट वर्म क्यों बोलते हैं इसको, ये बड़े आकार की होती है, इसमें मादा जो होती है, फीमेल जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है मेल के कंपेरिजन में। उसका कारण ये है कि फीमेल एक दिन में कई लाख अंडे देती है। ठीक है ना, बहुत सारे अंडे प्रदान करती है, इसलिए। तो ये गोल कृमियों का समूह है। ठीक है, ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वुचरेरिया, पिनवर्म, जो बच्चों को चिनुने पड़ जाते हैं ना, चिनुने,
वो ये वज्रेरिया वर्म होती है, वो भी गोल क्रमी है। ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस है, गोल क्रमी, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, ये भी इंफेक्शन करती है, ये भी पैरासाइट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनिलेडा पर। एनिलेडा क्या है समूह? एनिलेडा जो शब्द निकल के आया है वो निकल के आया है एनुलस से। एनुलस, एनुलस का मतलब होता है रिंग, गोल गोल रिंग। आप गौर से अगर देखेंगे तो सभी जो एनिलेडा हैं उनके शरीर पर ऐसी गोल गोल रिंग्स पाई जाती हैं। ये देखिए आप गौर से, इन्हीं रिंग्स के आधार पर इनका नाम पड़ा एनिलेडा। ठीक है, एनुलस के आधार पर। ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है इनकी, सख्त देह गुहा होती है शरीर की। बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड इनका मतलब होता है बटी हुई होती है, हिस्सों में, टुकड़ों में बटी हुई होती है बॉडी इनकी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स, इसका मतलब क्या होता है? विभेदन होता है। विभेदन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अलग अलग बॉडी का ऑर्गन अलग अलग काम को करता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दे आर फाउंड इन द वॉटर एंड लैंड। ये कैसे होते हैं? वॉटर में भी पाए जा सकते हैं और जमीन पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एनिलेडा को आपको नाम से क्या याद करना है कि पहली बात, इनका नाम एनिलेडा इसलिए पड़ा क्योंकि ये इनकी बॉडी पर रिंग्स होते हैं। ये श्वसन, ये रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं? स्किन से कर सकते हैं, त्वचा से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा श्वसन कर सकते हैं। ये लंग्स के द्वारा भी वो कर सकते हैं, हालांकि इनके जो लंग्स होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, तो मोस्टली जो रेस्पिरेशन ये करते हैं, O2 CO2 ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, वो ये किसके दम पे करते हैं? स्किन के थ्रू करते हैं। ओके, मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं सबके सब, जैसे अर्थवॉर्म, नीरिस, लीच, इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? ऑर्थ्रोपोडा की। ऑर्थ्रोपोडा मतलब ये है कीड़े मकोड़े, जो कीड़ों का समूह है वो है संधि युक्त पैर। संधि युक्त पैर जिन जीवों के होते हैं, यानी जॉइंटेड लेग्स, ठीक है ना, जॉइंटेड लेग्स जिनके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थ्रोपोडा बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा संघ है ये, सबसे बड़ा संघ। ठीक है ना, लगभग 90 लाख प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। 90 लाख स्पीसीज होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा समूह हो गया ये, 90 लाख स्पीसीज का समूह, बहुत बड़ा समूह ये होता है 90 लाख स्पीसीज का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, संधि युक्त पैर। आर्थ्रोपोडा के बारे में दो तीन बातें आप जान लें, बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है कि बहुत कम ऐसी फाइलम है जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। केवल आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, दो फाइलम है केवल, एक का नाम है आर्थ्रोपोडा और दूसरी का नाम है मोलस्का। इन दोनों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनका जो रक्त होता है वो रक्त एक खुली गुहा में भरा रहता है जिसको हम हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, और पूरी बॉडी इनकी ब्लड फिल्ड होती है, ब्लड से भरी रहती है, रक्त से भरी रहती है। और ये जॉइंटेड लेग्स वाले संधियुक्त पैर। आप कहेंगे सर संधियुक्त पैर तो हमारे भी होते हैं, हमारे पैरों में भी तो जॉइंट लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो दिखता नहीं है अलग से। इन जीवों की विशेषता है कि इनमें संधियुक्त पैर, हर टुकड़ा इनका अलग अलग नजर आता है। आपने कभी मच्छर को देखा हो, मक्खी को देखा हो, मकड़ी को देखा हो, स्पाइडर को देखा हो, स्कॉर्पियन को देखा हो, कॉकरोच को देखा होगा। इनके जॉइंट जो होते हैं हमको बाहर से ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो प्राण है, क्रैब है, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, सेंटीपीड, ये सब के सब किसके मेंबर हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम के मेंबर हैं। तो क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आर्थ्रोपोडा से आपको कि संधियुक्त पैर वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? या आर्थ्रोपोडा निम्न में से कौन है? संधियुक्त पैर युक्त जीव। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम या संघ कौन सी है? तो आप क्या उत्तर देंगे? आप देंगे उत्तर, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी फाइलम ये, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आपके काम का है कि आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, समझ रहे हैं बात को? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब भी आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में मैंने बताया, अब हमारे पास टाइम कम है तो अपन जल्दी जल्दी
सारी फाइलम्स को देखनी पड़ेंगी हमको। ये है मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का का मतलब समझ लीजिए, मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल, यानी कोमल शरीर वाले जीव, कोमल शरीर जिनका होता है, उन कोमल शरीर वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं, मोलस्का बोलते हैं। ठीक है, जिनका कोमल शरीर है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है भैया, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फाइलम। ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी फाइलम। दूसरी सबसे बड़ी फाइलम है ये। इनका शरीर बहुत कोमल होता है, इस वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल के अंदर रहते हैं। आपने ये देखा होगा ना, ऑक्टोपस हुआ या मशेल हुआ, यूनियो, ये चिटोन हुआ या स्नेल पाइला हुआ, आपने देखा होगा बजरी वगैरह में भी ये मिलते हैं हमको देखने को, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। तो ये क्या होता है, इस सख्त खोल के अंदर बिल्कुल कोमल शरीर इनका होता है और ये अंदर बैठे रहते हैं। इनमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा की तरह। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद हम अगली फाइलम पे जाएंगे, ये है इकाइनोडर्मेटा, यानी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। ठीक है ना, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल का मतलब क्या होता है, कांटेदार त्वचा वाले जीव, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, कांटेदार त्वचा वाले जीव। कांटेदार त्वचा वाले जीव, ठीक है। और आप सभी लोग याद रखिएगा, आज रात 10 बजे आप लोगों का फिर से टेस्ट है, वो सीरीज मैंने चालू रखी है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो मौजूद है इस समय यूट्यूब पर, आज रात अनअकैडमी पर आपका 10 बजे टेस्ट होगा, तो 10 बजे वाले टेस्ट में सभी लोग रहें। जीएस का जैसा हम टेस्ट रोज लेते हैं 10 बजे रात को, वो टेस्ट आपका जारी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कांटेदार होते हैं, प्रीडोमिनेंटली एक्विटिक होते हैं, मतलब सिर्फ किस में पाए जाएंगे, पानी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्टार फिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ओके, ये प्रीडोमिनेंटली एक्विटिक है, सिर्फ पानी में ही पाए जा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कौन, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा कौन है, देखिए अब इसमें थोड़ी सी लंबे स्तर पर समझाने वाली बात है, प्रोटोकॉर्डेटा की जब हम बात करेंगे तो एक लंबे स्तर पर इस बात को हमें समझाना होता है। ठीक है, वो क्या है प्रोटोकॉर्डेटा की, कि एक नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र के बीच में एक कैविटी बनाता है, एक मतलब स्तर बनाता है। अभी आप थोड़ा सा कम ही समझ लीजिए क्योंकि उतना ही टाइम है अपने पास। जिनमें ये प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट, और जिनमें ये प्रेजेंट नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा शब्द सुना होगा ना आपने, तो जिनमें ये प्रेजेंट है वो कॉर्डेट है, जिनमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेट है। बीच वाले जो है, जिनमें अनडेवलप्ड है अभी, जिनमें बन रही है ये नोटोकॉर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। तो उस समूह के ये जंतु हैं जिसमें बेलेनोग्लॉसस, एम्पियोक्सिस, हर्डमानिया ये एग्जांपल्स हैं। इनमें विकसित ऑर्गन्स आना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे कम से कम 10-10 मिनट देना पड़ेगा एक एक फाइलम को, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अभी मैं आपको केवल एक समरी दे रहा हूं जिससे कि आपको एक अंदाजा लग जाए केवल। ठीक है, ये प्रोटोकॉर्डेटा। इनके बाद आ जाते हैं रीढ़ की हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी युक्त जीव, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी इनमें, इनको क्या बोलते हैं, हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। और वर्टिब्रेटा में पांचों ये फाइलम आती है। एक तो मछलियों का समूह आता है, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ठीक है, टू चेम्बर्ड हर्ड, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो ये मछलियों का समूह है। दूसरा समूह आता है अपना एम्फीबियंस का, यानी उभयचरी, उभयचरी यानी कि एम्फीबियंस होते हैं इसमें। एम्फीबियंस आ जाते हैं सारे के सारे, जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, जो जल पे भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। ठीक है ना, तीन कोशीय हृदय इनमें पाया जाता है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं सरीसृप, सरीसृप या रेंग कर चलने वालों को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स में ये सब आते हैं, इनकी ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इनमें भी तीन कोशी हृदय पाया जाता है, मगर को छोड़कर, मगर में चार कोशी हृदय होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पक्षी, एप्स, इनमें चार कोशी हृदय होता है, ये वार्म ब्लडेड है, इनमें गर्म खून होता है। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और आखिरी में हम लोग आते हैं मैमल्स, जिनमें कौन है, स्तन ग्रंथियां हैं।
ठीक है ना। तो स्तन ग्रंथियों वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? तो यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो चलिए, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण शर्मा और मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूँ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं एक पूरे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।